फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड लर्निंग। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड लर्निंग में। तो आज मैं आपके लिए इसका रिव्यू लेके आई हूँ, डॉम्स राइट माई फर्स्ट पेंसिल किट, डॉम्स स्कूल एसेंशियल राइटिंग किट का। आप सब सोच रहे होंगे ये तो हमने देखी है और हमने परचेज भी की है, बट ये इसको क्यों दिखा रही है? मतलब ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है जो सब लोग परचेज करते ही करते हैं। अब बात वो आ गई है ना गाइस की आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इंडिविजुअल ख़रीदते हो, मतलब एक एक करके, जैसे अलग पेंसिल ख़रीद ली, अलग इरेजर ख़रीद ली, इसमें फ़ायदा है या इस किट में, सब कहेंगे। किसी को कन्फ्यूज़न होगा, किसी को पता भी होगा, तो पहले बात बता दूँ मैं, इसमें आपको फ़ायदा है क्योंकि 12 रुपीज़ की है। उसमें आपको एक पेंसिल, एक शॉर्पनर, एक स्केल, एक इरेजर मिल जाता है। और इसमें साफ साफ लिखा है कि इंडिविजुअल पीसेज नॉट इंटेंडेड फॉर रिटेल सेल। तो इसका जो सामान है गाइस, लगभग बता रही हूँ मैं आपको, मुझे इसका अभी बिल्कुल करेक्ट MRP नहीं पता, तो 20 रुपीज़ होती है, मतलब होगी लगभग 20 होगी। और 20 रुपीज़ का सामान अगर हमको 12 में मिले तो माइनस करें तो 8 रुपीज़ का फ़ायदा है, राइट? तो प्रॉफिट हो रहा है इसमें। तो देखिए, पहली बात तो मेरे हिसाब से हमें अपनी प्रॉफिट की चीज़ें ही खरीदनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि लोग खरीदना नहीं चाहते, सब लोग ये चाहते हैं कि हाँ भाई हमें एक प्रॉफिट का सामान उपलब्ध हो और हम प्रॉफिट का सामान खरीदें। तो जल्दी से देख लेते हैं इसके सामान में कोई क्वालिटी में फ़र्क है या नहीं, और फिर वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहले इसका स्केल है, तो स्केल्स बिल्कुल अच्छा वाला सेम स्केल है और क्वालिटी कोई इसमें फ़र्क नहीं है, बिल्कुल अच्छा सा स्केल है। इसमें आपको ये काफ़ी अच्छा स्केल है, डिज़ाइनिंग है और काफ़ी अच्छा है स्केल। अब बात करें शार्प ये आपकी पेंसिल की, तो ये HB डार्क पेंसिल है, देखिए डॉम्स की रॉबस्ट HB डार्क पेंसिल शार्प माइंड्स। तो ये सच में मैंने यूज़ की है अपने ड्राइंग वर्क्स के लिए, तो बहुत अच्छी पेंसिल चलती है, एकदम डार्क, सुपर डार्क। नेक्स्ट वन इज इरेजो। कुछ बच्चे, मतलब काफ़ी लोग इस इरेजर को प्रेफर करते हैं, तो इस इरेजर वाली किट भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, और नहीं है तो है, हो आएगी, ठीक है। तो देखिए ये है वाइट कलर की इरेजर, जो कि डस्ट फ्री इरेजर है। इसमें भी ऐसी होता है, और ये वाली जो पेंसिल है इसमें भी ऐसा होता है, मतलब ये वाली जो इरेजर है इसमें भी ऐसी होता है, जब हम इन दोनों इरेजर से इरेज करते हैं तो जो डस्ट होती है सारी, वो क्ले की तरह एक जगह इकट्ठी हो जाती है, और हमें उसको इकट्ठा उसको फेंकने में इजी हो जाता है। अब कुछ इरेजर उसमें क्या होता है, सारे में कूड़ा फैल जाता है, तो वो बहुत इरिटेटिंग होता है। अब शॉर्पनर है, तो शॉर्पनर काफ़ी स्टाइलिश है, इसमें जो स्मूथ सी हमारी ये एज है ये काफ़ी अच्छे हैं, इनसे हमारी चोट नहीं लगी। कुछ शॉर्पनर्स होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा वो बनाते हैं नुकीली, तो बच्चों की चोट लग सकती है, ये बड़ों को भी हार्म पहुँचा सकती है। काफ़ी अच्छा शॉर्प हो रहा है, बिना किसी, मतलब बहुत कम पावर लगानी पड़ रही है, तो बहुत ही अच्छी है। तो मैं प्रीफर करती हूँ आप इस किट को ख़रीदिएगा ज़रूर, बहुत ही बढ़िया किट है, और इसे लेने में आपको लगभग 8 रुपीज़ का फ़ायदा हो जाएगा, जिससे आप अपने आगे की चीज़ें खरीद सकते हैं। और इस किट में आपको फ़ायदा है, तो मेरे हिसाब से जो कलर्स है किट है, मतलब जो कलर्स है और ये राइटिंग किट है, ये आपको किट में ही ख़रीदनी चाहिए, इसमें हमें फ़ायदा हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।